बढ़ती महंगाई को लेकर हमीरपुर जिला कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बाजार में एकत्रित होकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में पूर्व महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष अनीता परमा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने बाजार में प्रदर्शन करते हुए डीसी हमीरपुर के माध्यम से ज्ञापन भी सरकार को भेजा और मांग की कि जल्द बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि अब तो हद हो गई है और डीजल और पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार होती थी तो हर तीसरे दिन मोदी और दूसरे नेता महंगाई को लेकर हल्ला करते थे, लेकिन आज चुप हैं। असल में ये हद ही हो गई है, जो प्राइस राइज और महंगाई बढ़ी है, वो खास करके डीजल और पेट्रोल में। डीजल एक ऐसी चीज है, अगर डीजल की महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ों पे, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि डीजल की गाड़ियों से आती है, तो उन पे प्रभाव पड़ेगा, वो महंगी होंगी होंगी। तो ये सबसे बड़ा इशू था यहाँ पर, डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं आज 80 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बॉम्बे वगैरह में तो 100 का आंकड़ा छू रही है ये। तो इस तरह से, इस ढंग से मोदी सरकार, जब हमारी सरकार थी यूपीए की सरकार, तो मोदी जी हर चौथे दिन उठकर यही अपनी तरफ से बयानबाजी करते थे कि पेट्रोल के बढ़ गए, आज ये हो गया वो हो गया। ये तो एक तरह से जैसे वो सीरीज होती है ना, हर रोज की, हर रोज कुछ ना कुछ बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है। इस तरह से हमने किसी सरकार को देखा नहीं। ये मोदी सरकार महंगाई हटाने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। और भी इश्यूज, जैसे चाइना का अभी तक स्टैंड कर रहा है, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली है अभी तक। चाइना अभी भी आंख दिखा रहा है। पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि महंगाई की मार से सभी पर परेशान हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। अनीता वर्मा ने गत दिन पहले हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची के दर्द से बिलखने वाले मामले पर कहा कि सरकार में एक मंत्री की पोती के गिरने पर हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन एक फौजी की बेटी के साथ हादसा होने पर डॉक्टर तक नहीं देख रहे हैं और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और लापरवाही का पता लगाया जाए। जरूर बोलूंगी कि ये जो महंगाई है, सबसे ज्यादा अगर घर में किसी को इसका प्रभाव होता है तो महिला को होता है। आज पेट्रोल और डीजल जो है वो आसमान को छू रहा है। डीजल जो है वो ऐसी धातु है कि जो पेट्रोल से हरदम कम कीमत की होती थी, लेकिन आज की तारीख में डीजल का दाम जो है वो पेट्रोल से ऊपर चला गया है। जहां से आपका डीजल या पेट्रोल आता है, जो प्लेटफॉर्म है जहां से हमें ये सब उत्पाद मिलता है, वहां पे तो डीजल और पेट्रोल की कीमत बड़ी कम है। तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो इस डीजल और पेट्रोल के जो दाम है उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सक रही? महिला आज समझती है कि मेरे को सब्जी, राशन, हर चीज़ जो है वो महंगी है। कोरोना की वजह से वो घर में है, पति भी घर में है, बच्चे भी घर में हैं, वो स्वयं डिप्रेशन में है। ऊपर से अगर आप ये महंगाई भी उस महिला के ऊपर लाते हो तो वो महिला बेचारी क्या करे। पूर्व सीपीएस एवं बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है और इसलिए नैतिक के आधार पर सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी से सभी भयभीत हैं, लेकिन सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और आगे ब्लॉक और पंचायत स्तर पर ही धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। यहाँ पर जो आज महंगाई के लिए और खास कर जो पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य है वो लगातार आज 22-23 दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और एक समय जब यूपीए सरकार के समय में कभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो इनके नेता नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और स्मृति ईरानी जी जो कबीना मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में, वो चूड़ियाँ भेजने तक की बात करती थी।
और नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ तक कहा करते थे कि जो केंद्र में सरकार बैठी है अगर उसके कार्यकाल में दिन प्रतिदिन पेट्रोल के और डीजल के रेट बढ़ते हैं या रुपए का अवमूल्यन होता है तो उस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। तो आज मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप उन आज से 6 साल पहले की अपनी बातों के वीडियो देखें तो क्या उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार है, ये आज कांग्रेस पार्टी उनसे जानना चाहती है। और आज ये शुरुआत हुई है, आज यहाँ पे पूरे देश में पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी को लेकर जिस प्रकार से आज लोग भयभीत हैं, आतंकित हैं, लेकिन ये सरकार उस आड़ में जनता के ऊपर धड़ाधड़ पेट्रोल के, डीजल के और अन्य खाद्य सामान है उसके रेट बढ़ाई जा रही है। कहाँ तो सरकार को एक वेलफेयर गवर्नमेंट होना चाहिए था, आज ये पूंजीपतियों की सरकार जनता को कुचलने में लगी है और कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आज शुरुआत है, अभी जिला स्तर पे ये कार्यक्रम हुए हैं, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और फिर पंचायत स्तर पर जो है सरकार को घेरा जाएगा।